टॉप 5 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, ये टॉपिक आपको कितना पसंद है ये बताने की जरूरत है नहीं। खैर हम लोग भी बहती हुई गंगा में धोएंगे हाथ और देखेंगे कॉपी गेम्स ऑफ माइनक्राफ्ट। इनमें कुछ ऐसे गेम है जिसे खेलने के बाद आप भी बोलोगे मजा आया, तो कुछ ऐसे भी गेम है जिसे देखते ही आप बोलोगे ये तो टट्टी है। बाय द वे इन सभी गेम्स को मैंने प्ले स्टोर पर काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद सेलेक्ट किया है, मतलब कि ये सभी गेम्स यूनिक और इंटरेस्टिंग तो होंगे ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने इन सभी को प्ले स्टोर से फाइंड किया है, तो ये सभी गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल भी होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओपी हो गया भाई, ओपी हो गया भाई। और हाँ, इनमें से ज्यादातर गेम्स यूनिटी इंजन पे बने हुए हैं, मतलब कि आपके लो एंड डिवाइस में भी इजिली चल जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुंह बंद रखो अपना, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी सी बात पे सीरियस हो गए क्या? खैर ये तो आपस का मामला बाद में देख लेंगे, फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे 51 सेकंड टाइम वेस्ट कर लेने के बाद, अरे अरे आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताना था, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की इपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ओ चूना लगा दिया। तो नंबर 5th वाले गेम का नाम है मल्टीक्राफ्ट। गेम को ओपन करते ही आपको यहाँ पर काफी सारे वर्ल्ड ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे और इसमें क्रिएटिव मोड का भी ऑप्शन है, तो आप चाहो तो क्रिएटिव या सर्वाइवल दोनों खेल सकते हो। फिलहाल हम इसमें अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और वर्ल्ड का हम नाम देंगे कॉपी क्राफ्ट। एनीवेज में हम सीड भी डाल सकते हैं। वर्ल्ड टाइप में हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट वर्ल्ड टाइप देखने को मिलते हैं। ये V7P क्या है यार? खैर अभी हम वर्ल्ड जनरेट करते हैं। वर्ल्ड जनरेट होते समय यहाँ पर कुछ भी लिखवा देखने को मिल सकता है, तो उस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और शरीफ बच्चों की तरह वर्ल्ड जनरेट होने का वेट करना है। खैर फाइनली वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। और ये क्या है यार, मतलब कि मैंने आपके सामने अभी वर्ल्ड जनरेट किया और ये मेरे पास यहाँ पर सॉर्ड टॉर्च और ये प्लैंक्स कहाँ से आ गया यार, मतलब कि ये गेम में कुछ भी हो रहा है। एनीवे गेम का ग्राफिक माइनक्राफ्ट के फेथफुल टेक्सचर पैक जैसा लग रहा है। बाकी कंट्रोल्स की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें काफी सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन करने के लिए एक बटन दिया गया है। बाकी इसमें मिनी मैप भी अवेलेबल है, जो कि मतलब काफी सही है यार। मेरे को लगता है ये ऑप्शन तो भाई माइनक्राफ्ट को भी डालना चाहिए था। बाकी सारी चीजें माइनक्राफ्ट की ही तरह, लेकिन इसमें कुछ न्यू ब्लॉक्स, फूड और एनिमल्स भी डाले गए हैं। इस गेम की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो इसके करेक्टर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। लिटरली यार इसमें आप अपने करेक्टर को काफी ज्यादा डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हो। खैर ओवरऑल गेम कुछ खास था नहीं, लेकिन अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि ये लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट गेम पे, माइनक्राफ्ट 2048। आई नो नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये माइनक्राफ्ट का कोई फ्यूचरिस्टिक वर्जन है। नहीं, चलो अच्छा है, क्योंकि ये गेम माइनक्राफ्ट का फ्यूचरिस्टिक वर्जन है भी नहीं। इस गेम ने बस माइनक्राफ्ट का नाम और ब्लॉक ही कॉपी किया है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये गेम इस लिस्ट में जगह इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने जब इसे इंस्टॉल करके खेला तब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला। इस गेम में 2 ब्लॉक को कंबाइन करके एक नया ब्लॉक बनाना पड़ता है, और अगर आप ब्लॉक कंबाइन नहीं कर पाते और आपका ब्लॉक अगर रेड लाइन को टच करता है तो आप गेम हार जाते हो। अब ब्लॉक डिस्ट्रॉय करने के लिए TNT वगैरह का भी यूज कर सकते हो। खैर गेम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, और अगर आप माइनक्राफ्ट से हटकर कोई नया गेम ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे ट्राई करना। और हाँ, गेम खेलते समय अपना इंटरनेट ऑफ रखना, वरना गेम खेलने से ज्यादा आपको एड देखना पड़ सकता है। नंबर 3 क्राफ्ट्समैन। इस गेम को अगर मैं माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द बेस्ट कॉपी कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। क्या मतलब कि ये क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के जैसा लग रहा है। खैर गेम की बात करते हैं, इस गेम ने माइनक्राफ्ट को इतने अच्छे से कॉपी करा है कि अगर माइनक्राफ्ट की तरह इसे भी खेलते समय गलती से होम बटन पे क्लिक होता है तो ये भी बैकग्राउंड में चलना बंद हो जाता है। कोई सेंस है इस बात? सारी चीजें माइनक्राफ्ट की ही तरह, इसमें भी आप माइनक्राफ्ट के सारे मॉड्स एंड एडॉन्स को खेल पाओगे, मल्टीप्लेयर खेल पाओगे, माइनक्राफ्ट का UI लगा के माइनक्राफ्ट के सर्वर में भी खेल पाओगे, यहाँ तक कि इसमें नेदर पोर्टल और एंड पोर्टल भी अच्छे से वर्क करता है, मतलब कि आप यहाँ पर एंडर ड्रैगन को भी मार पाओगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अब डेफिनेटली इस गेम में सारी चीजें माइनक्राफ्ट के ही जैसे देखने को मिलती है, लेकिन कुछ चीजें माइनक्राफ्ट से अलग भी है। यस, मैं एड्स की ही बात कर रहा हूँ, वैसे एड तो काफी मस्त है। हाँ ये कर लो पहले। एनीवे ये एक ऑनलाइन गेम है, अब ऐसी बात नहीं इसे ऑफलाइन नहीं खेल सकते, ऑफलाइन खेल सकते हो बट लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आप माइनक्राफ्ट को परचेस नहीं कर सकते और क्रैक वर्जन नहीं खेलना चाहते तो डेफिनेटली इस वाले गेम को ट्राई करना। ऑब्वियसली इसमें थोड़े बहुत एड देखने को मिलते हैं बट ये टोटली फ्री है, तो इतना तो चलता है। नंबर 2 आइसक्राफ्ट। गेम को ओपन करते हैं, हमें यहाँ पर एक सिंपल सा गेम मेन्यू देखने को मिलता है जहाँ पर 3 गेम मोड अवेलेबल है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर सर्वाइवल प्ले कर रहा हूँ और इसकी लोडिंग स्क्रीन को देखकर मैं क्या कोई भी यही बोलता। फिलहाल बरसों की शिद्दत के बाद फाइनली लोडिंग स्क्रीन खत्म हुआ और हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। और जस्ट अभी मैंने रियलाइज किया कि इस गेम का सिर्फ लोडिंग स्क्रीन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा कंट्रोल ही बहुत ही बड़ा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यार, हेल्थ बार भी कितना बड़ा बड़ा अजीब सा दिख रहा है, बंदे का हाथ बॉडी से बिल्कुल अलग है। और हमें यहाँ पर हॉट बार में भी बस 5 स्लॉट की छोटी सी इन्वेंटरी देखने को मिलती है। ब्लॉक को तोड़ना और प्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, लाइक इसमें कैमरा एंगल चेंज करने का भी बटन दिया गया है जिससे हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन इजिली कर सकते हैं। वैसे करेक्टर स्क्रीन काफी अच्छा लग रहा है। ओके तो अभी मैं आ चुका क्रिएटिव इन्वेंटरी में और
आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें माइनक्राफ्ट से हटकर काफी सारी न्यू चीजें अवेलेबल है, लाइक इसमें बहुत सारे न्यू ब्लॉक्स अवेलेबल है, मॉब्स अवेलेबल है एंड काफी सारे फर्नीचर अवेलेबल है जो कि माइनक्राफ्ट में बिना मॉड्स के पॉसिबल नहीं है। बट इस गेम में आप इन गेम में इजिली फर्नीचर्स को क्राफ्ट कर पाओगे। अब ये गेम अच्छा या खराब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इस गेम में कुछ अच्छी चीजें तो कुछ बहुत ही बेकार, बट आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट गेम की, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ ही रही होगी। नंबर वन, राफ्ट सर्वाइवल ओशियन। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये गेम तो माइनक्राफ्ट की कॉपी नहीं है और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस गेम ने भी माइनक्राफ्ट से ही इंस्पिरेशन ली है। माइनक्राफ्ट में हमें जंगल में अकेले सर्वाइव करना होता है और इस गेम में हमें ओशियन में सर्वाइव करना होता है। इस गेम की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि आप एयरप्लेन से कहीं जा रहे होते हो और ओशियन के बीचों बीच एयरप्लेन क्रैश कर जाता है, सारे लोग मारे जाते हैं, आप इसमें बच जाते हो और आप एक राफ्ट के सहारे सर्वाइव करने वाले हो। समुद्र में बह रहे लकड़ी, जंक और भी काफी सारे सामान को आप बंसीनुमा हथियार से कलेक्ट करोगे और अपने राफ्ट को बड़ा करोगे और नई नई चीजों को बिल्ड करोगे। आप पानी में भी जा सकते हो बट शार्क से बच के, और साथ ही साथ आप नए नए आइलैंड को भी एक्सप्लोर करोगे एंड एट द एंड आपको एक ऐसे आइलैंड को फाइंड करना पड़ेगा जहां से आप अदर पीपल से कम्युनिकेट कर पाओगे एंड यहां से इजीली निकल पाओगे। खैर ये तो है इस गेम का स्टोरी मोड, बाकी इसमें एक सैंडबॉक्स मोड भी है जिसमें आप माइनक्राफ्ट की तरह बिल्ड और सर्वाइव करोगे। ये गेम फुली ऑनलाइन है जिसका साइज आपको ऑलमोस्ट 200 MB के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप माइनक्राफ्ट से बोर हो गए तो इस गेम को आप डेफिनेटली ट्राई करना। फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, आपको इनमें से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और हां आप इनमें से कितने गेम को ऑलरेडी जानते थे ये भी बता देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक और अगर आपको इस तरह के वीडियो फनी वे में देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।